मध्य प्रदेश में शनिवार देर रात 47 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई। इसमें कई जिलों के कलेक्टर और एसपी के नाम हैं, तो वहीं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी डीसी सागर का भी नाम है, जिन्हें एडीसी पीएचक्यू बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, जबकि आज रविवार को भी कई जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, कूनो, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली समेत 7 जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। मध्य प्रदेश के गुना में शाशिब एविएशन एकेडमी का 2-सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 2 पायलट उसे लेकर टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़े थे। करीब 40 मिनट उड़ने के बाद गुना के एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। आशंका है कि हादसा इंजन फेल होने से हुआ है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सतना सहित पूरे मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 और मध्य प्रदेश ग्राम सभा नियम 2001 के तहत यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विवेक सागर ने हॉकी खेल में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, राज्य सरकार उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन और सहयोग देंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विवेक सरकार को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे कई दिनों से इस मुद्दे पर चिंतित थी और अब जब हिंदू समाज सड़कों पर उतर आए हैं तब उन्हें राहत मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं से चिंतित थी। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन जिले में 2 बैंक मैनेजर ठगी का शिकार हो गए। शातिर ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया और 90 लाख ठग लिए। राज्य साइबर क्राइम के अधिकारियों ने बताया कि क्यों ठगी का शिकार बन रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के कई टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफी ज्यादा फेमस है। एसपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित टाइगर रिजर्व में देश भर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में इनसे जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा नगर पालिका के द्वारा आयोजित किए गए पट्टा वितरण कार्यक्रम में 2 महिला पार्षदों के न बुलाए जाने पर जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान महिला पार्षद और उनके पति समेत अन्य समर्थकों ने सीएमओ के साथ मारपीट कर दी और जाति सूचक शब्दों में अपमानित भी किया। शिकायत के बाद अमरवाड़ा पुलिस ने 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 9 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश की सभी महिला सरपंचों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जो महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा। इसके बाद 10 अगस्त को श्योपुर में रक्षाबंधन का बड़ा आयोजन होगा। यहां समूहों का काम सर्वाधिक है।